पाकिस्तान पाकिस्तान, बल्कि जीवे जीवे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान, तुमने किया ही क्या है कि सब लोग तुम्हारे गुण गा रहे हैं? और तुमने कौन सा तीर मारा है कि मैं भी जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा लगाऊं? तुम्हें तो भीख मांगने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तुमने आखिर 70 साल में हमें दिया ही क्या है? और छोड़ो माजी को, मुस्तकबिल की बात करो, देखते हैं आगे होता है क्या। यार क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान में बिजनेस कहाँ है? और जिस शोबे की तू बात कर रहा है उसमें तुम कमाओगे क्या, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख या 20 लाख? लेकिन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ असल मुनाफा तो उसमें, मेरी बात मान, मेडिसिन कंपनी, कौन मेडिसिन कंपनी जिसमें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की है, बेशुमार बेरोजगार नौजवानों को थोड़ी सी तनख्वाह पे भर्ती कर लो और डॉक्टर अगर तो तोहफे तहफ हो बैरूनी ममालिक की सैर करवा के बैठते रहो अपनी 2 नंबर दवाइयाँ। या क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, पाकिस्तान में 5,000 से ज़्यादा जारी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी आई, उनका अभी तक किसी ने कुछ बिगाड़ा है जो तुम डर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये गलती कभी मत करना, पैसे पाकिस्तानी बैंकों में नहीं रखने, पैसे तो स्विस बैंकों में रखो कि जब दिल चाहे बाहर ममालिक चले जाओ, आयाशा करके वापस आ जाओ। चलो ठीक है ठीक है, तुम डीसी पहुंचो, मैं भी वही आता हूँ, फिर उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है वारे पाकिस्तान वाह, जिस नाम को पुकारते वक्त हमारे अकाबरीन कलमा पढ़ते पढ़ते नहीं थकते थे, उस नाम को आज तुमने करप्शन और बदनवानी के गंदे नाले में बहा दिया। पाकिस्तान आज तुम्हारे इस पाक नाम पे करप्शन और बदनवानी का एक बदनमा धब्बा लगता है। आगे देखते हैं कौन कौन से गुल खिलाते हो। जी चेक कर, ओए ये तो गजब है यार, ओए चल अपनी किस्मत आजमाते हैं। ये देख तू जा, ओए हाय ब्यूटी, कोई हम पे भी नजर करम हो, हम भी पड़े हैं राह में, शक्ल देखी है अपनी, चल दफा हो जा यहाँ से। ओह नो, तुमसे तो हो नहीं पाया, अब देख मेरा जलो। बूटी धूप में ना निकला करो हुसन की रानी, कहीं गोरा सा रंग काला न पड़ जाए और हो ना हो हम तबाह हो जाए। जाते हो या चप्पल उठाऊं सर पे मारूं? oh, कमीने no. पता नहीं कहां से आ जाते मुंह उठा के। दोनों तो फेल हो गए, अब मेरा नंबर है, देखो तुम्हारा भाई कैसे 100 में से 120 नंबर लेता है। ओए होए, बड़े दिनों बाद दीदार कराया, अभी हमारे तरफ भी यार नजरे करम कर लिया करो। अरे आप वो कसुम के भाई है ना शिबाज, तुम बंडी को कैसे जानती हो? जी वो मेरी क्लास फेलो है, आप तो वो टिकटॉक स्टार भी है ना शिबाज, मैं आपको फॉलो कर रही हूँ और काफी मुतासिर भी हूँ आपसे। मैं तो आपका बड़ा शुक्रिया जनाब। फिर ऐसा करो ना, मेरा नंबर जल्दी जल्दी ले लो, कुछ देख ना ले, फिर ना रात को वीडियो कॉल पे बात करेंगे। पाकिस्तान, इस्लामी जम्हूरिया है पाकिस्तान, अब तक तो मैं तुम्हें सिर्फ करप्ट और बदनाम समझ रहा था, लेकिन आज तो तुमने फहाशी की सारे हद ही पार कर दी। क्या तुम्हें अपने बच्चों की बदकिरदारी का जरा सा भी अंदाजा नहीं है? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इस पाक धरती पर इकबाल के शाहीन कौम की बेटियों की इज्जतों पर हाथ डाल रहे हैं?
लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, दुनिया में पजीराई जो मिल रही है। चलो इंजॉय करो। यू दी हमें आजादी की दुनिया। बहन घबराने की जरूरत नहीं है, बच्ची है, इधर उधर खेलने के ही गई होगी, आ जाएंगी, आप परेशान ना हो। नहीं बहन, नहीं, मेरी बेटी कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहती। कब की कुरान पाक पढ़ने गई है, अभी तक नहीं लौटी। उसके अब्बू भी जाने कहाँ चले गए, उसे ढूंढने गए हैं लेकिन अभी तक नहीं लौटे। लो बहन, कुछ पता चला मैंने लहती जिगर का? देखो नवीन, तुम हौसला रखो, मैंने मस्जिद में भी ऐलान करवाया है और अब्दुल्ला को ताने भी भेज दिया है रिपोर्ट लिखवाने। तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह खैर करेगा। नहीं हो सकते, मैंने तो कभी बेटे की भी ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। मैं ख्वाहिश और तमन्ना को कभी जनाजा नहीं निकल सकता। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ? ये क्या हो रहा है? अरे ये हो क्या रहा है? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इंसान की शक्ल में मौजूद ये दरिंदे मासूम बच्चों और बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर उन्हें कचरे में फेंक देते हैं और तुम खामोश तमाशाई खड़े हो ये सब को चुपचाप सह लेते हो? नहीं पाकिस्तान, नहीं, अब ये सब कुछ हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये सब कुछ हमसे बर्दाश्त नहीं होगा।
पाकिस्तान, ये क्या था? अरे तुमने तो इन मासूम लोगों की जान की हिफाजत की कसम खाई थी, लेकिन अरे तुम्हारे सरजमीन पर सरेआम इन मासूम लोगों, इन मासूम लोगों के खून की होली खेली जा रही है और तुम कुछ नहीं कर सकते? आखिर कब तक? अरे आखिर कब तक तुम्हारे सरजमीन पर माए अपने लड़कों की जगह से उठाएगी? आखिर कब तक ये मासूम बच्चे इन दहशत गर्दों के हाथों यतीम होंगे? और आखिर कब तक बीवियों की सुहाग उठेगी? पाकिस्तान आखिर कब तक हम इन सब चीजों की जिम्मेदार तुम्हें दे रहेंगे? बस पाकिस्तान, बस कर दो मेरे बच्चे, बस कर दो। अब उनमें तुम्हारे ताने और मुहताज सुनने की हिम्मत नहीं रही। मेरी 74 साल उम्र बहुत सी सारी हाथ देख चुकी है। मैंने अपने वजूद को दो टुकड़े होते हुए देखा है और उफ तक नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारे तारों और मुहताज सुन नहीं सकता, नहीं कर सकता बर्दाश्त। अरे मेरे बच्चे तो वो थे जिन्होंने 65 के जंग में अपने सीनों पे बम मार कर दुश्मन के टैंकों के नीचे रह गए। मेरे बच्चे तो वो थे जिन्होंने मेरे नामूस के खातिर दिन रात एक की, इज्जतें लुटाई और इस तरह के हालात में अनगिनत कुर्बानियां दी। लेकिन मेरे किरदार पर कभी दाग नहीं लगाया। लेकिन अब तुमको क्या हो गया है? चट्टकों के खातिर अपने धरती माँ का सौदा कर देते हो? IMF फॉरवर्ड बैंक के आगे अपने धरती माँ को घिरे रखते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने जमीन का सौदा करके रिश्वत का बाजार गर्म करते हो, फिर इल्जाम भी मुझे पे धरते हो? मेरे वजूद को दो टुकड़े करने वाले क्या कहीं और से आए? राजनीतिक लड़कियों को तंग करते हो, पाशी के अड्डों पे बिठाने वाले क्या कहीं और से आते हैं? खुदा कुछ तो होश के ना भूल लो, मुझ में अभी भी हिम्मत है मुझ में हिम्मत तुम लोगों को समेटने की। बस तुम लोग एक हो जाओ, इत्तेहाद और इत्तेफाक को अपनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के नक्शे से मेरा नाम मिटे। ए पाकिस्तान, ए मेरी धरती माँ, मुझे माफ कर दे। मैं तो खैरों के बहकावे में आ गया था। मैं भूल गया था कि जिस धरती माँ पे मैं इल्जाम लगा रहा हूं, मैं तो उसी से हूं। वही मेरी जिंदोजान है, वही मेरी पहचान है। ए मेरी धरती माँ, मैं तो खैरों के एक ऐसे जाल में आ गया था जिसको आज तुमने तार तार कर दिया। ए मेरे धरती माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे, वो सियाने सही कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं होता। और शुक्र है कि तुम्हें ये एहसास हो गया और मैं उम्मीद हूं कि मेरे बाकी बच्चे भी मेरा दामन रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जिंदाबाद।